हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो एडिट कर ली हूँ मैंने ना, बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स बना के रखे हैं हमारे डिनर टाइम के। पहले मैं सोच रही थी कि सभी को एक ही वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, पर ना मैंने सोचा है कि नहीं यार, आज हम बनाने वाले हैं पनीर के काठी रोल। अचानक से मेरा मन किया, बिकॉज आजकल हम लोग वेजिटेरियन डाइट में हैं तो हमारी ज़िंदगी में पनीर ही मेन इन्ग्रीडियंट बन गया है। तो मैंने सोचा पनीर को थोड़ा सा मैरिनेट करते हैं तंदूरी स्टाइल में, एंड देन उसको थोड़ा कुक कर लेंगे, गैस पे कर लेंगे, एंड देन काठी रोल बनाने के लिए रैप भी घर में बना लेंगे, थोड़ा सा आटा एंड मैदे को मिक्स करके लच्छा परांठा जैसे। एंड लास्ट टाइम मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना था, बहुत ही सोल सेटिस्फाइंग रैप बने थे। सो आज वो बनाने का प्लान है, लेटर डिनर में हम वो बनाएंगे। एंड मुझे लगता है मैंने ना इस रैप की रेसिपी किसी पास्ट के व्लॉग में भी शेयर की होगी, तो अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कैसे बनाया मैंने। सो दैट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट मेरा डिनर। अभी समय हुआ है 5, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है व्लॉग बनाने में। पिछले काफ़ी दिन से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है, सिर्फ मेरे डिनर ही शूट किया है। फ्यूचर में किसी वीडियो में ना मैं सारे डिनर आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो मेरा यहाँ पर आने का मकसद क्या है? मैं कोई बातचीत करने के लिए आई हूँ। पिछले काफ़ी समय से मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस कह के या फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ मेरी मेडिटेशन कर रही हूँ, एंड एक अलग जोनरा में चली गई हूँ या कई बार चली जाती हूँ, कई बार आती हूँ, तो फिर मेरे पास ना बातें बस वही वाली रह गई आप करने के लिए। आई डोंट नो, किसी डिफरेंट माइंड सेट चल रहा है मेरा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ। हो सकता है कुछ दिन में मेरा थोड़ा सेटिंग सेट हो जाए तो फिर मैं वापस आऊँगी मेरे नॉर्मल व्लॉग्स में, या फिर हम जो नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी ज़िंदगी में मैं जिसके साथ भी फ़ोन पे बात करती हूँ या मेरी ज़िंदगी में जो भी बंदे हैं 5-7, उनको मैं बस एक ही चीज़ बताती हूँ आजकल की, आप जिस भी सुपीरियर पावर में बिलीव करते हैं उसको अपना मेन ईष्ट मान के मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें काइंड ऑफ झूठी हैं, फेक हैं या नीडेड हैं, पर वो परमानेंट नहीं है। सो मेडिटेशन इज़ द ओनली थिंग जो आपके साथ लास्ट करेगी एंड आपके साथ जाएगी। सो आज यहाँ पे आके 2-4 बातें करने का मकसद यही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी भगवान में विश्वास करते हैं, प्लीज़ किसी भी किस्म की मेडिटेशन ज़रूर से करा करें। अगर आपका दिल साफ प्योर होगा तो आपको बहुत अच्छे साइन मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपकी प्रेयर्स कोई सुन रहा है एंड आपकी मेडिटेशन कबूल हो रही है। मेडिटेशन करने से आपका कर्मयोग भी बैलेंस होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कर्मयोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी मेडिटेशन या किसी भी रिलीजियस बात पर नहीं है पर आपका कर्मयोग सही है तो आप अपने पास्ट के कर्मा को भी कट डाउन कर देते हैं, नए नहीं बनाते हैं। आई डोंट नो आपने वो वीडियो देखी है या नहीं, पर मैं एक बहुत ही अमेजिंग बंदा है डॉक्टर नरेश, उनकी वीडियोस देखना मुझे अच्छा लगता है। तो स्पेशली एक वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ने वाली हूँ, उसको ज़रूर से सुनना कि कैसे अपने कर्म योग को सही करना है। गाइस, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, पर कुछ ना स्पिरिचुअली अपने आप को इस बात पर ज़रूर से लेके आएँ एंड अपनी बिगिनिंग करें जित्थों भी होंगी। 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं, 5 मिनट अखा बंद करके चौंकड़ी मार के। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि वो चौंकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, तो फिर आप चेयर पे बैठ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मेडिटेशन करते हैं या उसमें अगर किसी परमात्मा का नाम लेते हैं, नाम जपा करते हैं, जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु या फिर राम राम या फिर शिवा शिवा या फिर ओम नमः शिवाय, किसी तरह का भी कोई मंत्र जाप करते हैं, तो ऐसी जगह पे मत बैठें जो आपका गृहस्थ हो, जैसे आपका बेड जहाँ पे आप एंड आपके हस्बैंड सोते हैं उस जगह पे मत बैठें, किसी चेयर पे बैठ जाएं एंड चेयर पे बैठ जाएं, लत्ता अपनी बिल्कुल सीधी कर लें, पैर आपके धरती पे फ्लैट हो ताकि धरती की एनर्जी भी अंदर आए एंड पिट्ठा आपकी बिल्कुल सीधी हो। रीढ़ की हड्डी का इरेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सही पॉस्चर होगा, तभी आप यूनिवर्स की जो एनर्जी है आप पे गिरेगी एंड आप उसको ले पाएंगे। सो या अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठे, बस गृहस्थ जगह पे मत बैठे एंड कुर्सी पे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी होए, ऐसे फोकस ले आए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अगर नाम जपा कर सकते हैं तो वो करें जितना भी देर आपको अच्छा लगता है, 11 बार 21 बार या 100 बार
बार, 108 बार, 200 बार, जितना भी आपको अच्छा लगता है करें। एंड उसके बाद 5 मिनट का, 10 मिनट का ध्यान करें। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट बन जाएगा तो ध्यान आपको पता भी नहीं चलेगा, 25 मिनट, 30, 35, 40, 1 घंटा हो जाएगा। सो उस समय करें जब आपको टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि मैं बस 5 मिनट ही दूंगा। सो गाइस, आप डिफरेंस देखना शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं या किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे, कमेंट बार में ज़रूर से बताना। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछने के लिए बताना। एंड मैं ना सोच रही हूँ कि मैं एक नई स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करेंगे कि आप स्पिरिचुअल पाथ की शुरुआत कैसे करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताना। मैं भी एक बिगनर ही हूँ, पर मैंने कई चीज़ों में डिफरेंस देखा है कि जब आप परमात्मा को बुलाना शुरू करते हैं तो वो आपकी बातें सुनते हैं। एंड ये जो चीज़ें आप इकट्ठी करेंगे, दौलत ध्यान की, नाम की, ये आपके साथ जाएगी। सो मैंने भी शुरुआत की है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी शुरुआत करें। एंड उसमें मैं आपको अपने 2-4 तरीके बस बता सकती हूँ। एंड अगर आपके पास कोई तरीका है मुझे बताएं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट बार में अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर से छोड़ना। एंड गाइस, जो कुछ भी आप करते हैं पर स्पिरिचुअल पाथ पे ज़रूर से आ जाएं। रब में विश्वास है या नहीं है आई डोंट केयर, पर किसी किस्म का मेडिटेशन ज़रूर से करें। सो या दैट्स इट, यही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन बतानी मुझे। चलो अब रैप बना लेते हैं, मेरे पति को काफ़ी भूख लगी है। सो पनीर की मैरिनेशन बेसिक है, इसमें मैंने दही ऐड किया है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। एंड उसके बाद इसको मैंने 1/2 आवर रखा है, एंड पैन में सीधा इसको कुक कर लेंगे। इसमें जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है घर में डाल दें। शिमला मिर्च डाली है मैंने, एंड अनियन। वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे ना पनीर ख़राब हो गया, एंड आई एम वेरी सैड नाउ। इतने भी छिट्टे पै गए। सो मैं अपने हस्बैंडली बना दी हाँ, शेक ना कर भी आ रही है। मैं हस्बैंडली बना दी हूँ पनीर काठी रोल, बिकॉज मेरे हस्बैंड इज़ अ वेरी वेरी गुड गाय। सो आई थॉट कि पति नू कुछ अच्छा खाने के लिए दिता जाए। यार ये ना फुर्ती वाला काम है, रेहड़ियाँ वर्गा, ये ज़्यादा चलाकियाँ नहीं कर सकते। कड़ा स्लो कुकिंग आ। उसके बाद इसको कुक कर लेंगे, एंड और कोई सॉस ऐड करना चाहे कर ले। मैंने इसमें नींबू ऐड करूँगी मैं, एंड चाट मसाला लेटर। एंड आटा मैंने बेसिक गूंदा है, इसमें मैंने मैदा एंड आटे का मिक्सचर है, और अच्छे लच्छे पराठे बनाएंगे रेडी स्टाइल। तो मैं बना रही हूँ पनीर काठी रोल, उसके लिए ना मैंने स्पेशल आटा भी गूंदा है लच्छेदार परांठा बनाने के लिए। सो आई होप पति को अच्छा लगेगा। पति की सेवा से बहुत हम गए थे। लक्की 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 पड़ा साला, ओए लक्की लक्की हो जा। कौन बोल रहा है? हां सनी साइड में, वो साइड पे दे दो, एक ब्रेड का टुकड़ा दे दो साइड पे। नहीं फिर नहीं खाना एग, क्योंकि ब्रेड खानी तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद जो भी सब्ज़ियाँ आप कच्ची ऐड करना चाहें, मैं लेटस ऐड कर रही हूँ, टमाटर है, अनियन है, रैप को रैप करेंगे, इस पर सॉस भी अपनी मन पसंदीदा ऐड करें, मैं मैगी की मसाला सॉस ऐड की है, अच्छा रैप बना था, हस्बैंड को थोड़ा स्पाइसी लगा क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसी सॉस ऐड कर दी थी। So moment of truth. एंड हिम्मत मेरी हेल्प कर रहा है लॉन्ड्री को फोल्ड करने के लिए, वो हमेशा हेल्प करता है, ये उसका टास्क है एंड इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आज के व्लॉग के साथ इतना ही, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई आप अपने प्यारे प्यारे विचार बताना अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ना एक दूसरे से सीखते हैं, आप एक बात बताएंगे मैं आप बताऊंगी, दोनों यू नो कोलैबोरेशन होगी, कुछ आप सिखाएंगे कुछ मैं सिखाऊंगी और ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। एंड यस दैट्स इट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट बार में कमेंट करना, एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, मैं जल्दी मिलती हूँ आपको, बाय बाय, लालू।